कैसे वो ये आपने सारा घर का सामान रखा हुआ है? नहीं, बंदा मारा था तो समझा करें। स्पोर्टी से लुक है, ठीक है, डायनामिक्स ही बिल्कुल आप देखें, ठीक है, स्पोर्टी स्पॉइलर है। स्पॉइलर अच्छा सर, आओ सारा आप भी आओ, ये भी हमारे रिव्यू में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस ताहिर है। आज हम ओनर का रिव्यू लेकर आए हैं जो सोनाटा है, ठीक है। ये मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोहित साहब, आपने सोनाटा ली है, ठीक है। हाँ, अब हमें इसका बताएं मेक मॉडल वेरिएंट। जी ये हुंडई सोनाटा है, 2022 मॉडल है और 2.5 वेरिएंट है। 2.5 कब ली है आपने? ये मैंने इसी साल ली है, तकरीबन जनवरी फरवरी। अच्छा, जनवरी और फरवरी में ली। तो आपको क्या मतलब क्या किस प्राइस ब्रैकेट में पड़ी थी आपको? मुझे ये मिल गई थी 7.9 मिलियन का। अच्छा, तो आपने ये क्या कहते हैं बुक करवाई थी, तो आप कितने ड्यूरेशन में मिली थी जाके? अक्टूबर में बुकिंग करवाई थी, तब मेरा ख्याल इसकी हुई थी 20 लाख की बुकिंग हुई थी। लगता आप सो गए हैं। हाँ जी, आप ही ने उठाया। अच्छा चले ठीक है। अच्छा मोहित साहब, आपके पास ग्रैंडी भी थी? हाँ जी। वो क्यों सेल की? वो सर अपग्रेड करना था हमने। अच्छा, तो वो तो आपने 2 से 3 मंथ्स के दरमियान ही रखी है सर? नहीं नहीं, वो 5-6 महीने चलाई थी। अच्छा, बाद हमने कहा कि अब जरा अच्छा अपग्रेड कर लिया जाए। अच्छा, तो आपने उस प्राइस ब्रैकेट में जो आपने ये ली थी, और कौन कौन सी गाड़ियां अपने सामने रखी थी कि ये मैं और ले सकता हूँ, कैमरी ले सकता हूँ? जी प्राइस ब्रैकेट नहीं थी कोई रेंज में, वैसे ही मुझे जरा एक लग्जरी सेडान चाहिए थी। अच्छा, तो उसमें ये था कि या तो जो अपना एक किस्म का जनरल एक बजट था दिमाग में वैसे तो। अच्छा, तो उसके अंदर या तो कोई पुराना मॉडल आ रहा था मर्सिडीज का या बीएमडब्ल्यू का। कौन सी देखी थी आपने कोई? जी देखी थी, 2-4 देखी थी, 2010 वाली भी देखी थी, 8 वाली भी देखी थी, लेकिन उनका मसला वही था कि एक तो पुरानी थी, तो वो आपको पता अगर काम निकले तो फिर वर्कशॉप के चक्कर लगते ही रहते बंदे के। फिर हमने सोचा कि नया वो ले ली जाए गाड़ी, तो उस टाइम फिर जब सोनाटा का हमने देखा, रिव्यूज देखे और जब लॉन्च हुई, तो फिर हमने कहा कि ये ठीक है गाड़ी। ठीक। अच्छा मोहित साहब, बताएं इसके थोड़े एक्सटीरियर के हमें फीचर्स तो बताएं, शुरू करें। अनस भाई, भाई कैसे हो? सो सबसे पहले तो इसका देखो, जो एक डोमिनेटिंग फीचर है वो इसके DRL है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बहुत एक डायनामिक स्पोर्टी शेप है, ठीक है। उसके बाद इसका हेक्सागोनल ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल जो है ठीक हो गया, और बहुत एक खूबसूरत और एक स्पोर्टी लुक है, ठीक है। ये LED लैंप्स मिल गए आपको, डायनामिक स्टाइल में मिल गई, पार्किंग सेंसर्स हो गए। हाँ जी, फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स हो गए, ठीक हो गया जी। मोहित भाई ये बताएं इसकी साइड में थोड़ा सा, मैं बताएं इसके साइड के कोई थोड़े फीचर्स बताएं आप जी। साइड में देखे 2 करेक्टर लाइन्स है, ठीक है, जो देखो पूरी गाड़ी पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं LED लैंप के साथ, स्मार्ट कीलेस एंट्री है, ठीक है। उसके बाद 18 इंच के इसके टायर्स हैं, अलॉयज हैं, और ये जो है साइड स्कर्ट्स ही लगी है जरा खूबसूरती ऐड ऑन करने के लिए। अच्छा ये मुझे बताएं ये टायर क्यों फूला आपका? ये सर फिरोजपुर रोड के खड्डों पे मार के। आपका वो भी फूला हुआ था टायर? हाँ जी, चेंज हो गया आपका टायर, फूला है, फिर ये वाला फूला है। आपको पता है क्यों फूलते हैं टायर? नहीं आप बताएं। क्योंकि ये लो प्रोफाइल टायर है और ये पाकिस्तान में लो प्रोफाइल टायर नहीं चलते, इसलिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये आप इसको भी रिप्लेस करवाएं जाके, जब आपको वो मिल जाए तो इसको भी रिप्लेस करवाएं, और ऐसा ऐसा लगता है सारे ही होंगे आपके। हां सारे ही चेंज करवाने होंगे। मोहित भाई बताएं बैक का, इसका बताएं। बैक में सर ये LED टेल लैंप है इसका, ठीक है, ऊपर ब्रेक माउंट है, शार्क फिन एंटीना है, स्पोर्टी सा बम्पर है, ठीक है, ठीक है, और स्मार्ट ट्रंक है, और ये इसका कैमरा लगा हुआ है। कैमरा? अच्छा ये कैमरा लगा हुआ है। हां जी, ये मजेदार चीज है, मजेदार। अच्छा ये खुलती कैसे, जी स्मार्ट ट्रंक कह रहे हैं, कैसे खुलती है ये? सर स्मार्ट ट्रंक जो ना, आप इस तरह जाएंगे ना, ठीक है, आपने जब ये देखे यहाँ पे ना, प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप इस तरह जब हिलाएंगे तो ये खुल जाती है। वाह, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मतलब पांव से खुल जाती है? पांव से खुल जाती है। क्या बात, ये आपने सारा घर का सामान रखा हुआ है? नहीं, बंदा मारा था तो बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, समझा करें जी। मोहित भाई चले अब गाड़ी चलाएं। ये गाड़ी स्टार्ट कर लें जी, गाड़ी चला लेते। अच्छा मोहित भाई बताएं थोड़ा सा अंदर का भी, हमें थोड़ा हाल वाल बताएं गाड़ी का। यार अंदर का यार ब्रांड न्यू हाल है। अच्छा
अच्छा क्या मतलब हेड अप डिस्प्ले है इसमें, नजर मुझे नहीं आ रहा इसके फीचर्स के अंदर। हेड्स अप डिस्प्ले है वो ड्राइवर साइड पे नजर आती है, आपको आ रहा है नजर? हाँ जी। उसके बाद जो है इसका 12.2 या 3 इंच का वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले बड़ा प्यारा है इसका यार। हाँ जी, उसमें 3 से 4 मोड्स हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये देखे इसमें जो मोड्स, इसमें ये स्मार्ट है, ठीक है, कस्टम है, उसमें कोई खास फर्क नहीं था। ये इसका स्पोर्ट्स मोड है और फिर ये कंफर्ट है। क्या बात, हम चलाएंगे इसको इको पे। इको पे सही है, सही बात है। उसके बाद इसका शिफ्ट बाय वायर वाला ये गियर है, ठीक है, इसमें बटन शटन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा व्यू वाला, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है। पार्किंग सेंसर्स है, वायरलेस चार्जिंग है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले है, ठीक है। उसके अलावा 2 कप होल्डर है दरमियान में, वायरलेस चार्जर हो गया इसमें। हाँ जी, करते हैं चार्ज इसमें वायरलेस चार्ज नहीं? हाँ जी कर लेते हैं, गुजारे के लिए ठीक है। अच्छा तो मतलब बहुत अच्छा चार्ज नहीं करता लेकिन कर देता है। अच्छा ये मैंने सुना है कि ये पिछला रियर जो इसका जो ग्लास है, जो बैक वाला मिरर है, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक है? हाँ जी सर, ये देख वो आ गया ऊपर, ठीक है। क्या बात है, ये भी है क्या नाम, पैनोरामिक रूफ हो गया। यस पैनोरामिक रूफ है। करते हैं मौज, करते हैं इसको खोल के? नहीं यार, इधर पाकिस्तान में मौसम ही नहीं होता इसको मौज करके खोलने वाला। कभी कभी अगर बारिश बुरिश हो तो खोल लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ मतलब वो शेड खोलते हैं। अच्छा अच्छा, साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी? साउंड क्वालिटी अच्छी है, गुड साउंड क्वालिटी है। अच्छा मतलब, अच्छा मोहित भाई ये बताइए, जब आपने सोनाटा ली है, ये इरफान जुनेजो ने भी ली है ना? हाँ जी हाँ जी। उसको देख के तो नहीं ली गई? नहीं, मैंने उसे काफी देर पहले ली थी, उसने मुझे देख के ली है। रात फिर मैंने सारी जागना थोड़ी थी इस खुशी में। नहीं रात, सुबह 12 बजे भी नहीं आप उठे हुए थे? हाँ जी, जरा देखे मेरे चल रहे थे पेपर। अच्छा कौन से पेपर चल रहे थे? दो घंटे की नींद हुई हुई थी। अच्छा फिर आपको पता, फिर एक दिन रेस्ट होता है। अच्छा जी मोहित भाई ये बताएं, कुछ चीज आप मिस करते हैं इसके अंदर? यार इसके अंदर जो है ना, हीटेड और कूल सीट्स मिस करते हैं वो। अच्छा। अगर होती तो क्या बात होती, बाकी उसमें तकरीबन सारे फीचर है। उसके अलावा एक इसमें है, इसका जो इंटरनेशनल वेरिएंट है ना, उसमें आप मतलब के रिमोट के साथ ही ना इसको बाहर खड़े होकर आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ, ये वाला सिस्टम मेरे ऑल्टो में मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, जो आपने अपने सोनाटा के अंदर आती है वो, लेकिन मैंने नहीं लगवाया। वो तो इंटरनेशनल वेरिएंट में आता है, पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं आता, लोकल वेरिएंट में। वही ना, वही तो मैं कह रहा हूं, वो एक अगर होता तो बड़ी बात होनी थी। अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने भी गाड़ी ली थी, तो आपने वैसे जितना पेट्रोल महंगा है, आपने कोई इलेक्ट्रिक की तरफ गए थे जैसे MG आई है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शौक तो है, लेकिन जो अच्छी है वो जरा भी रेंज से बाहर है। वो रेंज से बाहर तो है, लेकिन आपने ऑप्शन में रखी थी जो हालात हैं अब। MG की देखी थी, लेकिन वो फिर अब भी जो है ना, उसकी एक तो हमारी गाड़ी यूज बहुत होती है, ट्रैवल बहुत ज्यादा है, तो वो जो है ना बड़ा मसला है ना, उसको रोज रोज चार्ज करना, ये करना, वो करना। किधर ट्रैवल करते हैं ज्यादा? मैं जरा जी यहाँ से जाता हूँ मोक्षपुरी टॉप, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद छंगा मांगा का मेरा बड़े चक्कर लगे। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा, मुझे एक चीज मैंने आपसे थोड़ा ये पूछनी थी, इसके कंपैरिजन में वैसे अगर आप देखें, जो दूसरी आपके पास आ जाती है, टुसॉन आ जाती है SUV में, MG आ जाती है, स्पोर्टेज आ जाती है, बंदे को वो भी होता है, तो वो क्यों नहीं वैसे लिखी आईडिया? अच्छा मुझे शौक नहीं है, मुझे सेडान अच्छी लगती है। अच्छा मतलब ऊंची गाड़ियों का इतना वो नहीं है, मतलब आपको थोड़ी हाइट में थोड़ा मजा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे होता है डम डाउन टू अर्थ बंदे, ठीक है जी, तो हमें जरा नीचे गाड़ी पसंद है, सेडान कार मुझे जरा मैं प्रेफर करता हूं। नहीं नहीं वैसे आप नहीं, ये बात तो कोई शक नहीं कि जो आपकी गाड़ी का कलर है ना, ये ग्रे में आ रहा है, ओए क्या कमाल चीज है, इसी के अंदर ही ना, इसको तो ये ब्लैक भी इसको मतलब मठा कर देता है बिल्कुल, है या नहीं ऐसी बात? ऐसे ही है जी, बड़ा प्यारा खूबसूरत कलर है। मुझे पता ना जितनी चेंज जल्दी आपने गाड़ी चेंज की है। हाँ जी, सिर्फ कलर देख के ले ली थी मैंने। वही ना, चले फिर, बहुत शुक्रिया आज आपका। थैंक यू सर, आप हमारे उठे 11 बजे। कोई मसला नहीं, ठीक है, टाइम निकाला हमारे लिए। हाँ जी हाँ जी, बड़ी मेहरबानी सर, कोई मसला नहीं सर, दोबारा आ जाना है, और भी गाड़ी। अच्छा सर, लोगों को कहें तो कोई के सब्सक्राइब करें, लोग यार प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, और क्या होता है, बस यही होता है, बस यही होता है, चलो।